हेलो दोस्तों, आप दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। मैं एक एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। म्यूचुअल फंड रिव्यू के आज के एपिसोड में एक वैल्यू कैटेगरी के फंड के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 साल से हमने देखा है वैल्यू फंड में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। कई सारे वैल्यू फंड मार्केट में है और ज्यादातर वैल्यू फंड ने कोई ज्यादा रिटर्न बना के नहीं दिया है। और कई सारे जो इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान में भी निवेश करते हैं, वैल्यू फंड में वहां से वो निवेश करते हैं, कई सारे लोगों को क्वेश्चन भी हमें आते हैं कि हमारा ये वैल्यू फंड वो वैल्यू फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या करें। तो उनके लिए खास हमने ये वीडियो बनाया है। वैल्यू जो कैटेगरी के फंड है वो अलग तरह के फंड होते हैं और आपको उसको समझना बहुत ही जरूरी है। उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट काम होता है उसको समझने के बाद ही आपको वैल्यू कैटेगरी के फंड में निवेश करना चाहिए। और करंटली मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू कैटेगरी के फंड एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का विकल्प आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप यहां से 5 साल का इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम लेके चले तो वैल्यू फंड आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो आज का हमारा फंड भी एक बेहतरीन वैल्यू कैटेगरी का फंड है। उस फंड के बारे में चर्चा करेंगे, वैल्यू फंड किस तरह काम करते हैं उसके बारे में भी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ फंड के पोर्टफोलियो को हम समझेंगे और वीडियो के अंत में इस फंड के साथ आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अनुरोध रहेगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। कई सारे जो निवेशक हैं वैल्यू फंड में निवेशक हैं वो भी कई सारे हमें सवाल पूछते हैं, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। कई सारे लोगों के मन में सवाल होंगे उनके वैल्यू फंड के बारे में, तो उनसे अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनके सवालों के जवाब भी हम दे पाएंगे और सबका फायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है इस वीडियो के द्वारा। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे 5 पैसा में आप अपना डिस्काउंट ब्रोकरेज अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं हमारे साथ। 10 रुपए पर ट्रेड का ही उसमें आपको ब्रोकरेज लगता है। अगर आपको ये अकाउंट ओपन करवाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे जाइए रजिस्टर कीजिए और ऑनलाइन ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू फंड की इन्वेस्टमेंट थीम को समझने के लिए आपको एक स्टोरी के बारे में हम बताते हैं। चाइनीज बांबू की ये एक स्टोरी है। चाइनीज बांबू के जो ये पेड़ होते हैं, अगर आप चाइनीज बांबू का पेड़ लगाते हैं और पहले साल में आप उसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं उसके अंदर, फिर भी एक छोटा सैपलिंग ही आपको दिखेगा पहले साल के अंदर। आप कंटिन्यूअसली दूसरे साल तीसरे साल भी उसको पानी देते रहे, खाद देते रहे, फिर भी आपका वो सैपलिंग ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। और कई सारे जो लोग निवेश करते हैं वो भी इस प्रकार से ही काम करते हैं। 2-3 साल तक वो SIP करते हैं, उनको रिटर्न नहीं दिखता है और फिर वो सोचते हैं कि मैं स्विच कर दूं। और ऐसे ही अगर आप चाइनीज बांबू का जो आपका सैपलिंग है जो आपने बोया था, अगर आप 3 साल तक आपको ग्रोथ न दिखे और उसको आप निकाल के कोई और पेड़ लगाने की सोचे तो ये एक बहुत गलत बात होती है। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं, चौथे साल भी आप पेशेंटली उसको पानी देते रहते हैं और 5वें साल में आप देखेंगे कि आपका जो वो छोटा सा सैपलिंग होगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा 5वें साल में। चाइनीज बांबू इस प्रकार से काम करते हैं, 2-3-4 साल तक उसमें आपको बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं देखती है और 5वें साल के आते आते वो पेड़ आपका छोटा सा सैंपलिंग एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और इसी प्रकार से वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी काम करता है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट 1-2 साल का नहीं होता है। अगर आप वैल्यू फंड में निवेश करते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली उसमें निवेश करते रहना चाहिए, या 5 साल से आपका टाइम फ्रेम होना ही चाहिए। 5 साल का आप अगर लॉक इन पीरियड रखते हैं वैल्यू फंड में तो आपको वैल्यू फंड भी बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ये एक इस प्रकार की ही कैटेगरी है जो बहुत स्लो ग्रो करती है, बट जब उसमें ग्रोथ आती है, साइकिल टर्न होती है, तब वैल्यू फंड आपके ग्रोथ फंड को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो चाइनीज बांबू की स्टोरी को आप समझिए, पेशेंट इन्वेस्टर ही वैल्यू फंड में निवेश करने चाहिए और उसमें ही आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। और जो वैल्यू फंड की कैटेगरी के फंड होते हैं करंटली बेहतरीन वैल्यूएशन पे आपको मिल रहे हैं। पिछले 3 साल के अंदर मार्केट में हमने देखा है कि 5-10 शेयर ही हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और ज्यादातर ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर हैं। इवन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो टॉप 15 शेयर का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन रहा है पिछले 2 साल के अंदर। बाकी के जो 35 शेयर हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कई समय से। और अब ये टाइम आ रहा है कि आपको
वैल्यू कैटेगरी के फंड को भी कंसिडर करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप ग्रोथ फंड में SIP कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेफिनेटली वो रिटर्न बना के देंगे। बट आपके पोर्टफोलियो में 30% का अलोकेशन आप वैल्यू फंड को भी दीजिए, ताकि आपको जो आने वाले 5 साल के अंदर जो बड़ी ग्रोथ मिल सकती है वैल्यू फंड में, उसका आप फायदा ले सके। साथ साथ वैल्यू फंड आपको एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी करंट लेवल पे दे रहे हैं। जो आज का हमारा वैल्यू फंड है वो शायद कई सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा, और उनको पिछले 2 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला होगा, उनके लिए भी खास हम ये वीडियो बना रहे हैं। वैल्यू फंड इस प्रकार से ही काम करते हैं, धीरे धीरे ही आपको उसमें ग्रोथ मिलती है। अंडर जो ओन शेयर होते हैं, अंडर वैल्यू शेयर होते हैं, डिस्काउंट प्राइस पे जो शेयर चलते हैं उसमें वैल्यू फंड नॉर्मली निवेश करते हैं। नॉर्मली इन सारे स्टॉक्स के पीई रेशियो बहुत ही कम होते हैं, पीबी रेशियो भी बहुत ही कम इन सारे शेयर्स के होते हैं, और वहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है, क्योंकि जो ग्रोथ के शेयर हैं वो कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म करते रहते हैं, उनका वैल्यूएशन बहुत ही हाई होता है, और ग्रोथ शेयर में मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम होती है। अगर ग्रोथ न आए तो ग्रोथ शेयर बहुत ही फास्टली गिर भी सकते हैं। हमने कई सारे ऐसे शेयर में रिसेंटली बहुत बड़ी गिरावट देखी। हमने RBL का केस देखा, यस बैंक जैसे शेयर एक एक महीने में 30-30 40-40% भी करेक्शन दिखा सकते हैं, जिसके सामने वैल्यू कैटेगरी के शेयर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ वैल्यू फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख सकते हैं। वैल्यू फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी के ही फंड होते हैं। वैल्यू फंड के अंदर आपको हर मार्केट कैप के शेयर मिल सकते हैं। वैल्यू फंड के फंड मैनेजर पे कोई प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वो लार्ज कैप में निवेश करें या मिड कैप में निवेश करें या स्मॉल कैप में, जहां पे भी उनको अच्छी वैल्यू दिखे वहां पे वो निवेश कर सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज आपको मिल सकता है। और करंटली जैसे कि हम जानते हैं पिछले 2 साल के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ा करेक्शन आया है, तो वहां पे भी बेहतरीन वैल्यू शेयर मिल सकते हैं फंड मैनेजर को, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी वैल्यू फंड प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि हमने बताया डाउन साइड रिस्क करंटली वैल्यू फंड में बहुत ही कम है। यहां से आप लमसम भी निवेश करें तो आने वाले 5 साल के अंदर वैल्यू फंड भी आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा फंड है वो भी एक वैल्यू कैटेगरी का बेहतरीन फंड है, 15 साल पुराना ये फंड है। तो सबसे पहले इस फंड के पोर्टफोलियो को देखते हैं। बेहतरीन पोर्टफोलियो है फंड का, वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तकरीबन लार्ज कैप ओरिएंटेड ही पोर्टफोलियो है। 60-70% इसके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप शेयर हैं। आपको यहाँ पे दिखेंगे इन्फोसिस 8% का अलोकेशन है, बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी इन्फोसिस। वैल्यूएशन भी करंटली बेहतरीन है इन्फोसिस का। रिसेंटली कुछ व्हिसल ब्लोअर के इश्यू के कारण शेयर में करेक्शन भी देखा है हमने, 800 रुपए के लेवल से 700 रुपए के लेवल भी इन्फोसिस आया। तो करंटली भी बेहतरीन शेयर है इन्फोसिस, और 3% का अराउंड डिविडेंड देने वाली कंपनी है इन्फोसिस। तो ये एक बेहतरीन ग्रोथ वैल्यू शेयर बन सकता है, और इसमें 8% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद आपको सन फार्मा दिखेगा, भारत की एक दिग्गज फार्मेसी कंपनी, जो कई सारे इश्यू के कारण करंटली बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, और एक बड़ी कंपनी है, तो यहाँ से कंपनी की रीरेटिंग होने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। 8% का एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका दिखेगा। उसके बाद NTPC एक दिग्गज PSU कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है, डिविडेंड बेहतरीन देने वाली कंपनी है। 5% का एलोकेशन इसमें भी फंड ने दिया हुआ है। पिछले 10 सालों में पावर सेक्टर की किसी भी कंपनी ने बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, और करंटली बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी पावर सेक्टर के शेयर्स में भी है। NTPC उसमें एक लीडर शेयर बन सकता है। गवर्नमेंट का भी कई सारे शेयर का सप्लाई आने के कारण भी NTPC में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया है पिछले कुछ समय के अंदर, बट बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और यहाँ से ये शेयर भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 5% का एलोकेशन यहाँ पे लिया गया है। ITC इसके बारे में ज्यादातर निवेशक जानते ही होंगे, पिछले 5 सालों में कई सारे रिटेल निवेशक इस शेयर को लेके बैठे हैं, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आया है। एक भारत की दिग्गज टोबैको कंपनी है। इसके अलावा बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस ITC का है, होटल का बिजनेस है कंपनी के पास, पेपर का बिजनेस है कंपनी के पास। तो अंडरलाइंग बहुत बड़ी वैल्यू है ITC के अंदर, और शेयर मूव ही नहीं कर रहा है पिछले कई सालों से। और जब ये शेयर ब्रेकआउट देगा यहाँ से, एक बार ये शेयर 300 के लेवल को निकाल दे, तो उसके बाद ये शेयर आपको बहुत बड़ा रिटर्न भी बना के दे सकता है। एक बेहतरीन
ग्रोथ का शेयर जो एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे जो मिल रहा है वो है ITC, 4% का लोकेशन यहाँ पे लिया गया है। भारती एयरटेल, इसके बारे में भी ज्यादातर लोग जानते ही हैं, एक दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जो कई सारे इशू के कारण बहुत ही सस्ते वैल्यू पे मिल रही है। और जब अब हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन होने वाला है और जो तीन प्लेयर है उसमें से पॉसिबली दो ही प्लेयर बचेंगे टेलीकॉम सेक्टर में, और उसके बाद ये सारी कंपनियां प्राइसिंग हाइक भी ले रही है, तो उसका फायदा भी कंपनी को धीरे धीरे मिलेगा। 4% का एलोकेशन उसका भी फंड के पोर्टफोलियो में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है ग्लोबली भी, इसके अलावा बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। करंटली अपने पिछले 5 सालों के लो पे M&A मतलब शेयर चल रहा है, तकरीबन 3.9% का एलोकेशन इसमें भी दिया गया है। PI इंडस्ट्री फर्टिलाइजर की एक दिग्गज कंपनी, IOC ये एक बेहतरीन PSU कंपनी है, विप्रो, HDFC बैंक जैसी बेहतरीन कंपनियां आपके इसके पोर्टफोलियो में दिखेगी। इवन मिड कैप सेगमेंट में भी एक्साइड, अमर राजा बैटरी जैसी कंपनियां आपको यहाँ पे दिखेगी। कंटेनर कॉरपोरेशन जिसका एक बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसमें भी आपका फंड का 2% का एलोकेशन है। उसके बाद वेदांता जैसी कंपनियां भी जो ट्रेड वॉर के कारण बहुत बड़ा करेक्शन दिखा चुकी है, उसमें भी एलोकेशन है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जो यूके के इश्यू के कारण भी अच्छा खासा गिरावट दिखा चुकी है, उसमें भी एलोकेशन दिया गया है। तो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो है, और ये पोर्टफोलियो यहाँ से आपको बेहतरीन रिटर्न भी बना के दे सकता है। पिछले 2-3 सालों में इस फंड ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, तो अगर आप ये देखें कि पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस देख के अगर आप फंड डिसाइड कर रहे हैं तो आपके रडार पे ये फंड आएगा ही नहीं, और इसी कारण ज्यादातर निवेशक करंटली ऐसे फंड में निवेश भी नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर निवेशक करंटली ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में ही जा रहे हैं, और उसको उन सारे निवेशकों को आने वाले समय में शायद डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है कि करंटली जो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेके चल रहे हैं, जहां पे मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, कोई भी मार्जिन ऑफ एरर वहां पे बची नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं आती है तो ग्रोथ फंड परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाना जरूरी है। थोड़ा बहुत वैल्यू फंड में आप जरूर निवेश करें। अगर इस फंड का हम वैल्यूएशन देखें तो फंड का पीई रेशियो करंटली एवरेज पीई रेशियो सारे के सारे शेयर का वेटेज के हिसाब से 18 का पीई बनता है, जिसके सामने निफ्टी का हम जानते हैं पीई रेशियो तकरीबन 27 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.71 का है। एवरेज डिविडेंड यील्ड इस पोर्टफोलियो का 1.96 का है, तो तकरीबन 2% का डिविडेंड देने वाला ये पोर्टफोलियो है। 46 इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के अंदर है, और थोड़े बहुत डेट इंस्ट्रूमेंट भी है। टॉप 10 शेयर में वेटेज तकरीबन 50% का है। एवरेज मार्केट कैप पोर्टफोलियो का है 1,16,000 करोड़, तो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड ही है। लार्ज कैप में तकरीबन 63% का एलोकेशन है, मिड कैप सेक्टर के शेयर में 14% का, और थोड़े बहुत स्मॉल कैप में भी एलोकेशन फंड का है। तब फंड के बारे में देख लेते हैं। फंड का नाम है ICICI प्रोडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, और एक बहुत पुराना फंड है, जाना माना फंड है। 138 NAV है फंड का करंटली, वैल्यू कैटेगरी का फंड है, तो रिस्क मॉडरेटली हाई रहेगा। मिलल सिंह इनके फंड मैनेजर है और 17 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। 2004 में फंड लॉन्च हुआ था, तो 15 साल पुराना ये फंड है। उस समय पे अगर किसी ने 10,000 रुपए भी लगाए होते तो वहां से भी उसकी वैल्यू तकरीबन 1,38,000 रुपए बन जाती है। तो बेहतरीन फंड ने ग्रोथ दिखाई है पिछले 15 सालों के अंदर। 18% के CAGR से फंड ग्रो किया है। जो निवेशक ये मानते हैं कि वैल्यू फंड में आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है, वो यहाँ पे CAGR देख सकते हैं। 18% का CAGR से फंड ने ग्रो किया है, और इवन पिछले 2 साल में फ्लैट रिटर्न होने के बावजूद भी इसका CAGR 18% का है, और अब यहाँ से भी बेहतरीन ग्रोथ फंड में आ सकती है। 2-3 साल से परफॉर्मेंस नहीं आया है, और बहुत अच्छी खासी वैल्यू फंड में, एक अच्छी वैल्यू क्रिएट हो रही है। SIP लमसम के द्वारा आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि हमने बाम्बू स्टोरी में आपको बताया कि आपको 5 साल के बाद ही ग्रोथ दिखेगी, तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 5 साल का होना चाहिए इस फंड के अंदर। SIP का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, इस फंड का 1,000 रुपए की SIP किसी ने स्टार्ट की होती जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो अब तक 185 मंथ हो चुके होते, 1,85,000 रुपए का निवेश हो चुका होता, और टोटल यूनिट परचेस होते हैं 4,754 रुपए के। और अगर हम एवरेज NAV कोर्स देखें
इन टोटल यूनिट की, तो वो 38 रुपए की आती है, जिसके सामने हमने देखा फंड का एनएवी 138 रुपए का है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट आती है 38 रुपए की, अगर इंसेप्शन से किसी ने एसआईपी की होती, और उसकी करंट वैल्यू 6,58,000 रुपए बनती है। 15% की ग्रोथ फंड ने एसआईपी में भी बना के दी है, तो एसआईपी भी आप कर सकते हैं, बट शर्त है आपको 10 साल का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यू फंड में एसआईपी करनी है, और लॉन्ग टर्म में वैल्यू फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक छोटी एसआईपी आप वैल्यू फंड में भी कीजिए, ताकि जब मार्केट में बड़ा फॉल आए तो आपको वैल्यू फंड थोड़ा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे आपके पोर्टफोलियो के अंदर। और अगर आप ऑलरेडी वैल्यू फंड में निवेशित हैं तो आप बने रहें, कोई इश्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न आएगा, शॉर्ट टर्म में शायद आपको रिटर्न न देखे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न मिल के बनेगा। आप कंटिन्यूअसली स्विच करते रहेंगे, ग्रोथ में जाएंगे, फिर 2 साल के बाद ग्रोथ फंड अंडर परफॉर्म करेंगे, तब आप वैल्यू में आएंगे। तो ऐसे ही अगर आप करते रहेंगे तो आपका कभी भी वेल्थ नहीं बनेगी। तो आप जो भी फंड में है उसमें बने रहें, साथ साथ आपको इस फंड के साथ एक इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी के साथ आपको एक फ्री इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, एसआईपी प्लस, इसको आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल में कहा जाता है। पहले साल में आपको 10 गुना एसआईपी के इंस्टॉलमेंट के, 10 गुना मतलब 10,000 के एसआईपी पे 10,000 का आपका 1 लाख का इंश्योरेंस बनेगा। दूसरे साल में आपको 50 गुना मतलब 10,000 के एसआईपी का 5 लाख का आपका इंश्योरेंस होगा, और तीसरे साल से आपका इंश्योरेंस होगा 100 गुना एसआईपी के इंस्टॉलमेंट का, मतलब 10,000 के एसआईपी पे आपको मिलेगा 10 लाख का लाइफ कवर। अगर आप 1,000 की एसआईपी करते हैं तो आपको 1 लाख का लाइफ कवर इसके साथ मिलेगा। तो एक बेहतरीन एडिशनल बेनिफिट भी आपको ऐसे प्रोडेंशियल प्रोवाइड करता है, तो इसका बेनिफिट भी अगर आप ले सकते हैं तो आप जरूर लेना चाहें। अगर आप एसआईपी करते हैं तो जरूर एसआईपी प्लस कीजिए, और लमसम के लिए भी बेहतरीन फंड है। करंट मार्केट में अगर आपको लमसम करना है तो वैल्यू फंड में आप 50% एलोकेशन दे सकते हैं, मिड कैप फंड में भी आप जा सकते हैं, मिड कैप में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वैल्यू में निवेश कीजिए, मिड कैप में निवेश कीजिए, लमसम के द्वारा एसआईपी के द्वारा भी आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ निवेश करना है तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके फंड को, और सिलेक्टिव बेसिस पे हम आपको इक्विटी भी प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा म्यूचुअल फंड इक्विटी का कॉम्बो बनता है, किसी भी सिमिलर डायरेक्ट प्लान से बड़ा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो अगर आपको हमारे साथ निवेश करना है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कई सारे निवेशक हमें मैसेज करते हैं, वैल्यू फंड के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम उन सारे निवेशकों के क्वेश्चन को आंसर कर पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।